हम विकास की बात कम करते हैं, जाति धर्म मजहब की बात ज्यादा करते हैं। सर यहाँ की जनता को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? सर सब मेरे लिए माँ पिता की तरह है, कोई संदेश नहीं। एक अच्छा पूर्णिया, एक अच्छा बिहार, मनीषी एक ऐसा महामानव जिसका जीवन सादगी के साथ, विनम्रता, सरलता और कंप्लीट विवाक विचार, बिना किसी जाति धर्म मजहब के, एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा आम आदमी की बात किया, जो विकास की बात की, उन्होंने कुर्सी पद का को नहीं देखा, जरूरत ऐसे इंसान की। ऐसे समय में आज क्या है, आज हम आर्थिक आजादी की बात नहीं करते हैं, राइट ऑफ वर्क की बात नहीं करते हैं, राइट ऑफ एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, राइट ऑफ हेल्थ की बात नहीं करते हैं, राइट ऑफ एम्प्लॉय की बात नहीं करते हैं, राइट ऑफ जस्टिस की बात नहीं करते हैं। ऐसे समय में हमको याद आता है कि हम सबको मिलकर एक बात जरूर ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी जाति धर्म मजहब वर्ग समूह के विचारों की स्वतंत्रता को चैलेंज नहीं करना चाहिए, उसको जीने देना चाहिए, उसको बढ़ने देना चाहिए, मुस्कुराने देना चाहिए, जो आज नहीं है। हम विकास की बात कम करते हैं, जाति धर्म मजहब की बात ज्यादा करते हैं, जबकि हमें बात करनी चाहिए रोजगार की, हमें बात करनी चाहिए किसान की, हमें बात करनी चाहिए महंगाइयों पर, हमें बात करनी चाहिए किस गरीबी पर, हमें बात करनी चाहिए मजदूरों पर, हमें बात करना चाहिए एजुकेशन पर, इस सब कोई मनता ही नहीं रहा। इसीलिए आज उनकी पुण्यतिथि पे जो हम लोग इकट्ठे हुए, सारे रुपौली के जो सबरन और वैचारिक लोग हैं, सभी लोग एक ऐसा संकल्प जो यहाँ से संदेश जाए कि नफरत की राजनीति छोड़िए और विकास की, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन जॉब वन वर्क, इस पर हमको चर्चा करने की जरूरत है। विधानसभा आने के बाद सर कैसा लगा आपको यहाँ? सर रुपौली मेरा घर है, क्रांतिकारी धरती है, वैचारिक धरती है, हमेशा से रुपौली विचारों के लिए और क्रांति के लिए जाना जाता है। सर यहाँ की जनता को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? सर सब मेरे लिए माँ पिता की तरह है, कोई संदेश नहीं। हम सबको मिलकर कोसी सीमांचल जो मखान है, जूट है, मक्का है, हमें बाढ़ से मुक्ति कैसे मिलेगी, हम दूध फूड प्रोसेसिंग पर काम कैसे करेंगे, अधिक से अधिक फैक्ट्री कैसे लाएंगे, हमको इसके लिए बात करनी चाहिए।